चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री मोती सिंह ने सरकार को घेरने वाले भाषण को अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया तो मोती सिंह के तेवर बदल गए। मोती सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह विरोधियों की साजिश है, मेरे पूरे भाषण की क्लिप को काटकर वायरल किया गया, सरकार बेहतरीन काम कर रही है, पार्टी में सब कुछ सामान्य है, कांग्रेस के शासनकाल का मैंने जिक्र किया था। वो क्लिप अधूरी है, मेरे भाषण की पूरी क्लिप आप सुनेंगे तो अपने आप ये है स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी साजिश के तहत एक अधूरी क्लिप का को चलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में का कार्यकर्ता कहीं कभी भी इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। एक लक्ष्य, मोदी जी कितना आगे बढ़े, मोदी जी कितना मजबूत हों, और भारतीय जनता पार्टी का ये कमल पूरी दुनिया में कितना सुंदर ढंग से खिल सके, ये हम सबका प्रयास है। यह जो क्लिप है वो अधूरी है और समाजवादी पार्टी की साजिश के तहत है। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि अखिलेश यादव जी के पास कोई काम नहीं है, 543 सीट में 43 सीट जिसको नहीं मिली और वो इतने प्रसन्न हैं वो दिखते हैं, तो मैं नहीं समझ पाया कि उनकी प्रसन्नता का क्या कारण है। तो अपने कमजोर स्थिति को छिपाने के लिए वो ये सब ऊंची हरकतें कर रहे हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उनके इस प्रयास में कोई दम नहीं, इसका कोई लाभ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और मोदी जी इस पार्टी के अगुआ हैं, अगुआ रहेंगे, इसमें कहीं कोई न तो संदेह है न तो अखिलेश जी की परेशानी से कोई फर्क पड़ने वाला है। इधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के इंद्रगढ़ में फर्जी तरीके से हुए जमीन के बेनामे को लेकर न्याय के लिए पीड़ित महिला दर दर भटक रही है, लेकिन महिला को कहीं से न्याय नहीं मिल रहा। पीड़ित महिला ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर दबंगई के आरोप लगाए हैं, हालांकि इसकी सूचना पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को लिखित शिकायत की है, लेकिन पुलिस पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के बजाय कोर्ट का मामला कहकर टाल मटोल करती नजर आ रही है। ये हुआ कि हमारे लड़के सुजीत कुमार ने करीब 2010 में इन्होंने अपने हिस्से की 1/4 भाग जमीन पप्पू देवरिया उमा शंकर देवरिया है, उन्होंने अपनी पत्नी रजनी देवी के नाम से खरीदी। मुझे मालूम नहीं हुआ, जब हमें इसकी जानकारी हुई तो हमने वहां जाकर एक कागज़ निकला, उसमें पता चला कि हमारा तो इसमें 1/4 की जगह 1/4 की जगह मेरा हिस्सा भी उसने उसमें लिखा लिया, उसने 1/12 भाग लिखा लिया, 1/4 की जगह उसने अपना 1/3 हिस्सा कर लिया। जब हमने उनसे कहा तो उसने धमकियां दी, अब भी कहते हैं, तब भी वो यही कहता कि नहीं वापस करेंगे, तुम्हारी दम और ले लो, ज़्यादा करोगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हम और जाते इससे क्या कहें। आपने प्रार्थना पत्र दिया क्या? प्रार्थना पत्र हमने दिया है, हमने यहाँ भी दिया इंद्रगढ़ थाने में, इसके बाद हम कन्नौज गए, कन्नौज भी दे के आए वहाँ पे अधीक्षक जी को, और इसके बाद में यहाँ जब आए तो कहा ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जाइए। हमारे साथ इस तरह से चाल चली सी करी जा रही है, हम किससे कहें, ना तो मेरे कहने वाला कोई आदमी है और ना कोई और भी है जो उसके पास जाके ये कहे। वो इतना दबंग है, किसी की बातें ही नहीं सुनता है। किस गाँव का मामला है ये? हमारे गाँव इंडिया का, हम इंडिया के रहने वाली और वो इंद्रगढ़ का रहने वाला है। इधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जिलाधिकारी और एसएसपी ने थाना ठटिया में पीड़ित फरियादियों की समस्या सुनी, अवैध कब्जों की शिकायतों पर कानूनगों को फटकार भी लगाई ही गई है। वहीं आपको बता दें कि मामले को लेकर कानूनगों की फरियादियों की तीखी नोकझोंक हो गई और नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि समाधान दिवस में एसडीएम के सामने फरियादी ने कानूनगों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में आसमानी आफत के कहर ने नगरपालिका के दावों की पोल खोल दी है। नगरपालिका शहर की व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन
24 घंटे हुई लगातार बारिश ने नगर पालिका के खोखले दावों की पोल खोल दी है। बारिश के पूर्व सफाई नहीं होने से नालियां जाम हो गई, जिसे सड़क पर पानी भर गया। चारों ओर जलमग्न होने से शहर जलमग्न हो गया। और आपको बता दें कि लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, लोग घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। नगर पालिका परिषद कालपी का पूरा मामला बताया जा रहा है। जालौन में चोरों ने रात में पुलिस गश्ती के पोल खोल दी गई है। कालपी कोतवाली क्षेत्र के रामचंबूबा मोहल्ले में चोरों ने धावा बोल दिया, विद्युत विभाग के एसडीओ की कार को पार कर दिया है। बताया जा रहा है कि चोरों की गैंग अपनी कार से आकर एसडीओ की कार ले उड़ी। आपको बता दें कि इसका लाइव चोरी की वारदात का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। युंगड़ा से कांस्य पदक जीत कर जालौन लौटी स्वाति सिंह का गांव अमिठा में जोरदार स्वागत किया गया। स्वाति सिंह ने युंगड़ा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा मेडमिटर ओपन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीतकर लौटी गांव। वहीं आपको बता दें कि जहां गांव के लोगों के साथ समाज सेवियों ने स्वाति का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि साउथ अफ्रीका के युंगड़ा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पूर्वास विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसमें छात्र रुचि त्रिवेदी ने 3 स्वर्ण और स्वाति सिंह ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। जालौन से पुष्पेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। मेरे फादर का हमेशा से ही सहयोग रहा है, शुरू से ही। मैं बहुत छोटे से गेम खेलना चाहती थी, लेकिन शुरू में पढ़ाई पर ध्यान दिया। लेकिन जब मैं पॉलिटेक्निक के लिए करने के लिए उरई निकली, तो वहाँ हमने इंदिरा स्टेडियम ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। 3 महीने बाद मैंने मंडल खेला था झांसी में। उसके बाद 2022 में मैंने स्टेट में गोल्ड जीता था। और अभी 2 बार नेशनल खेल चुकी हूँ। अभी मार्च में झारखंड में नेशनल खेल के आई हुई हूँ। और उसी के उससे मेरा ओपन टूर्नामेंट में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हुआ था, जो मैं युगांडा खेलने गई थी। युगांडा में कौन सा पदक जीत के आई? युगांडा में मैंने सिंगल एंड डबल टूर्नामेंट में मैंने सॉरी 5 पदक जीता है। क्या कहना चाहेंगे और भी तब जो बच्चियां हैं और भी लोग बच्चे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनसे यही कहना चाहेंगे कि जो भी करो दिल से करो, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी फील्ड हो, करो तो इतना शिद्दत से करो कि उसको पाने के लिए आपके माँ बाप आप सब लोग सहयोग कर सकें उनका। एक आपके हाथ भी नहीं है, किस तरीके से क्या इतना क्या कहना चाहेंगे? और भी लोग जो हैं तब होते हुए भी वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। हाथ मेरा तो जन्म से ही ऐसा है, हमें कभी नहीं लगा कि हमारा एक हाथ नहीं है, या हमारे फैमिली वालों का भी एहसास नहीं होने दिया कि मेरा हाथ नहीं है तो हम उनसे कोई अलग रिएक्ट किया हो, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है। सभी बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि उनके गार्जियंस वो बच्चे खुद अपने आगे बढ़ने की कोशिश करें, जो भी जिसमें भी लगन रखते हों उसमें गार्जियंस को भी सपोर्ट करना चाहिए और बच्चों को भी आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, मैं अपनी छोटी बहन स्वाति जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उसने मेरे भारत का नाम रोशन किया, फिर प्रदेश का किया, फिर मेरे ग्राम का नाम रोशन किया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उनके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो
इतनी अच्छी उनको शिक्षा दी और वो इसी मुकाम पर पहुंचाया, ये बहुत बड़ी बात है। एक साधारण परिवार से आते हैं ये लोग और इतनी मेहनत, बच्ची के बहुत अच्छी, उसने बच्ची ने भी सपोर्ट किया उसको, बच्ची ने बहुत मेहनत की, इसका फल आज हम सबको